अगर आप इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे हैं तो आप हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई हैं जिसकी वजह से कुछ जगह पे आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है, तो इसलिए आप मोबाइल में देखते समय हेडफोन का प्रयोग ज़रूर करें। माँ बाप हुआ है, मैं तो माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करने से राजस्थान के गांवों में जो ईंट है वो कैसे बनती है, वो प्रोसेस हम आपको थोड़ा सा दिखाने और समझाने आए हैं कि जब यूपी के जहां से ईंट सप्लाई होती है, खासतौर पर उत्तराखंड में जब यूपी के बड़े बड़े चिमनियां होती हैं, भट्टे होते हैं, उनको भट्टे बोलते हैं ईंट के, पर यहां तरीका थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्या है? आपका नाम? मेरा नाम मंगीलाल। मंगीलाल जी, आप लोग कैसे तैयार करते हैं ईंट? मैं तैयार पहले तो खुदा जमीन मट्टी मट्टी निकाली, मट्टी निकाल के बारे हैर फते जमीन खोद के ईंट मट्टी डाल और कड़ा बावरिया उन सांचे में डाला, संचम जो ईंट बनती है, हां संचम में काट दे, ईंट सूख गया, जब बाद में भट्टो शुरू करा। इसको बोलते हैं ये भट्टा, यहां भट्टा। कैसे कैसे बनाएंगे आप इसको? इस नीचे जे लकड़ी काशम मत दियो, लकड़ी दे कोई और इसके ऊपर पक्की लकड़ी डाल दो, ठीक है, खेल ली। सबसे नीचे घास, उसके ऊपर लकड़ी, लकड़ी उसके ऊपर ये ईंट जो सूखी हुई पचे हैं, ईंट जा ईंट दे, एक तरह ईंट को दे दियो तो भी ऊपर और एक लकड़ी दे दी, और लकड़ी दे दी और ईंट को तर दे दियो, इसे थोड़ा 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 बड़ा करके बड़ा 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 कर दिया, कोई लाख को बना दे, दो लाख को बना दे, डेढ़ लाख को बना दे। इसके अंदर एक बीच में नाला देता है, इस नाले के माँ आग रालते, आग रालते ही दो खिला या चार खिला रालते ही आग जल जाता है। इसमें दिन लगता है एक महीना पकड़े में, एक महीना मोटा मोटा। वो ये कह रहे हैं कि ये रेत जो ईंटों का टीला बना दिया हमने, उसके सबसे नीचे घास होगी, उसके ऊपर लकड़ी होगी, लकड़ी जो यहाँ की झाड़ियाँ हैं उनको, उसके ऊपर ईंट होगी, फिर एक लेयर ईंट की होगी, और उसके बाद फिर से जो है वो ईंट होगी। तो इस तरीके से इस टीले में ये बता रहे हैं कि लगभग 61,000, वैसे दो दो लाख के भी टीले बनते हैं, और ऊपर से एक होल छोड़ दिया जाता है जिसमें आग लगा के एक महीने तक ये पूरा उसमें पकता रहेगा, और ईंट जो है उस आग की तपिस में पकती रहेंगी। ईंट फिर आप लोग कहाँ भेजते हैं? गांव में ही? गांव में मकान बनाता है,
बाहर के गांव में ले जाता, बाहर ले जाए, परिवार ले जाए। किस रेट में बिकता है ये? 4,500 रुपया इंट का। 4,500 पर हजार, 4,500 का, 4,500 रुपए का 1,000 ईंट, 1,000 ना। अच्छा, आप लोग, आप लोगों की आजीविका यही है, यही काम करके आप लोग? कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? मैं आदमी 15 इसी गांव के, यही गांव के, एक गांव के। तो इस गांव के लोगों की ये आजीविका है। आगे और भी बताएंगे कि खेती क्या है। आराम से देखिए वो होल आप। क्या नाम बताया था इसका? खीपोड़ी। इसको तोड़ेंगे? सब्जी बहुत टेस्टी होती होगी इसकी। खा सकते हैं इसको? मैं खा रहा हूँ ना। ये है, फैट अगर हो जाए तो उससे कम होता है। फैट हो जाए इसमें थोड़ा सा वाइट का वो भी निकल रहा है।
होली के मौसम में इस तपती धरती में भी एक अलग उत्साह और एक अलग उमंग है। जो होलियार हैं वो रात भर अपना जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होली गायन कर रहे हैं वो भी हम आगे दिखाएंगे। लेकिन रात को नींद इतनी अच्छी आई ना, एक तो रात को टेम्परेचर गिर जा रहा है, दिन में अभी करीब 9:30 का समय है और लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है। गर्मी ज़्यादा है दिन में, तो दिन में जो पूरा गांव है उसको आज एक्सप्लोर करेंगे, कोशिश करेंगे। सुबह चिड़ियों की आवाज़ से हमारी नींद खुली। इस पूरे रेगिस्तान में भी, इस वाले इलाके में भी, जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी कहा जाता है और सबसे ठंडा भी, गर्मियों में जब 15 मई के बाद यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 52-53 तक पहुँच जाता है, और सर्दियों में -5 तक रहता है। तो ये चूरू ज़िले की एक खासियत है। ऊँट यहाँ का यातायात का प्रमुख साधन है और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। राजियासर गांव में लगभग जो परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, यानी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनके पास ऊँट है। जो ऊँट है अगर उसको पूरा एक पानी पिला दिया जाए और उसको खाना नहीं दिया तो 7 दिन तक वो जिंदा रहता है, और चलने की बात करें तो कई किलोमीटर तक वो सफ़र कर लेता है। लेकिन अगर उसको हम घास या उसका जो खाना है वो खिला दें तो पानी बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। तो इस पूरे इलाके में लोग जो है 40,000-50,000 छोटे जो ऊँट हैं उसको ले लेते हैं और उसको बाद उसको पालते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ये उनके सारे काम करता है, जैसे अगर उनके लिए अनाज लाना है, गेहूं की बोरियां हैं या फिर ईंट जो हैं वो यहां से दूसरी जगह रखनी है। पीछे देख रहे होंगे आप लोग, जितना भी सामान का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो सारा काम यहां ऊँट ही करता है। पशुओं में ऊँट के अलावा बकरी पालन भी बहुत है, बहुत सारे लोगों ने बकरियां भी पाली हुई हैं जो उनकी कैश जो एनिमल है। उसके अलावा जो जानवरों में गाय हैं, बैल हैं, उनका भी पालन है, लेकिन ऊँट जो है यहाँ इनकी एक तरीके से यातायात की लाइफलाइन मानी जाती है। राजियासर गांव में जो काम है, यानी जो लाइफस्टाइल है गांव की, उसमें महिलाएं जो हैं वो घर का पूरा काम देखती हैं, जैसे खाना बनाना है या फिर कपड़े धोने हैं या और भी काम है। जो पुरुष हैं वो खेतीबाड़ी का काम संभालते हैं, पानी अगर लाना हो तो वो पानी और अन्य कार्य जो भी हैं, चाहे बाजार का काम हो। लेकिन राजस्थान के और ज़िलों में ऐसा नहीं है, कई ज़िलों में महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं, पानी भी लाती हैं, खेतीबाड़ी भी करती हैं। इस इलाके में, जिस इलाके में हम हैं, वहाँ पर अधिकतर जो बाहरी काम है लगभग वो सब पुरुष ही संभालते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर है। जैसे पहाड़ों में अधिकतर हम देखते हैं कि महिलाएं खेतों का काम भी करती हैं, घास भी लाती हैं, पानी भी लाती हैं। पुरुष जो हैं वो या तो खेतों में हल लगाते हैं या और जो काम है बाजार का, या फिर नौकरी करते हैं। इस गांव में फौज में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, अब तो टीचिंग में और पुलिस में और अन्य जो विभाग हैं या सरकारी नौकरियों में भी काम कर रहे हैं। उस स्थिति में भी महिलाएं जो हैं वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं। किसी भी गांव में जाएं तो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो हमारे साथ दादी सा हैं। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग होते हैं, जैसे हम दादी कहते हैं या ताई कहते हैं, तो ज़्यादातर दादी सा या अमा सा, माँ सा। तो कल मैंने कोशिश की थी यहाँ की जो सिखावटी भाषा है उसको सीखने की। एक शब्द सीखा हूँ मैं, ठाकुर नाम काई से श्रवण कुमार। उम्र कितनी? उम्र 80 साल। 80 साल। बच्चे कितने हैं? अच्छा, 3 लड़का, 1 खत्म हो गया, जिसका कहते 4 लड़का है, 6 जानी, 1 साल शादी कर रही है। आप शादी आपकी कितने साल में हो गई थी? 14 साल की उम्र। मैं खुद तो 14 साल की, अब साल बा कौन सी ये ध्यान करें। हाँ, शादी के साल कौन सी बा मेरे याद को बने। 14 साल की उम्र में शादी हो गई। दादी साहब, आपको यहाँ ठीक लगता है गाँव में या जयपुर या दिल्ली? भाई अठाई रहूँ मैं तो, टाबर से बारह रहे, मैं तो अठाई रहूँ। यही ठीक लगता है? जाऊं अठे ठीक है, साथ पोते पड़पोता पड़पोता। ये मकान कब बना होगा? ये मकान, ये हवेली, ए कोई भी महीने महीने पर आवे टाबर बनेड़ी 100 साल, 1-2 साल ऊपर निकल गया
पहले कम बोलता ने। दादी सा कह रही है कि जब उनकी शादी हुई 14 साल की उम्र में शादी हुई, 70-80 हो गई होगी उम्र, 80 उम्र होगी दादी सा की, तब पानी की बड़ी किल्लत थी, गर्मियों में पानी कुएं में भी बहुत नीचे चला जाता था। ये आपका रामबाण है ये गर्मियों में? हाँ, मैं चाह नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, हुक्का नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, सब बेसन दूध, सब अंदर पानी। बीमारी अभी कोई लग नहीं रही मुझे? कुछ बीमारी नहीं, हमारा गुर्दा फेफड़ा तेली सब साबित है, सब बढ़िया है, दांत भी साबित है। गर्मी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारे लिए राठौर जी लेके आए हैं मट्ठा, उसमें प्याज है और जीरा है। ठंडा बहुत हुआ है, ठंडा बहुत करता है। हमारे साथ बाबू साहब हैं। बाबू साहब, पूरा नाम आपका? आपका नाम? माना जगमाल सिंह। जगमाल सिंह। उम्र? उम्र 70 साल। 70 साल। आप उत्तराखंड में कहाँ गए हैं? मैं गया हरिद्वार। ऊपर क्यों नहीं आया? बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऊपर तो बहुत बड़े तीर्थ। हाँ, कैसा उम्र तीर्थ, माँ बाप हुए, मैं माँ बाप की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करने से घर पक्षी है पशु आयु सेवा करने से इवास्त कर दिया। और गरीबों की सेवा बता रहे थे? हाँ, गरीब सेवा करा, गरीबा साथ दिया, गरीबा ने दान दान दे रहा, ब्याह ना तो ब्याह करवा, पीसा ने पीसा दिया, बीमार दुआई दे रहा, वो काम आपको है। सबसे बड़ा तीर्थ यही है, सबसे बड़ा गरीब साथ दो, माँ बाप सेवा करो, आ धरती माता इन संभालो, सुबह शाम नमस्कार करो। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तीर्थों में जाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन बाबू साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपनी ढूंगबाजी रचा है। हाँ। तीर्थ है तीर्थ, माँ बाप रचाना और तीर्थ बड़ो है। माँ बाप अगर जुड़ो रेसी ने भी भगवान को ठाठ कर दी, माँ बाप डेढ़ साल से कदी क्यों बने हुए साल लो उन्हें कह रहे हैं कि माँ बाप से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है, मतलब उनकी सेवा करना, गरीबों की मदद करना, पशुओं को, पशु जैसे पक्षी, गरीब ने साथ देना चीज है, कोई हुए कोई जात को गरीब साथ देना क्योंकि आत्मा राज्य है, राम राज्य है, गरीब आत्मा बड़ा है जब बड़ा है, यही राम राज्य है। हाँ, गरीब बहुत बड़ी बात कही बाबू साहब ने। रजियासोर गांव में मोर बहुत हैं, तो कई बार ये फसलों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी देखिए पूरा एक झुंड है, तो जिस घर में जा रहे हैं मोर दिखी जा रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। पानी की एक एक बूंद को स्टोर करना पड़ता है रजियासोर गांव में, यानी चूरू डिस्ट्रिक्ट में। इसका पानी यूज हो रहा है? नहीं, कड़वा पानी है। फिर वो बूंद लगता था जिसको बूंद बोलते हैं, गोल चक्कर। हाँ, टायर के उससे रस्सी से अंदर से पानी आता था, इधर से जानवर खींचते थे। ऊंट खींचता होगा, बस ऊंट के पास ही इतनी ताकत, या फिर वो बैल जल जाता था, किसी को रोकते भी नहीं है, लेकिन यार कोई काम नहीं है। हम जो गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है उसके पास आ गए हैं, तो जानते हैं आपका नाम क्या? परमेश्वर लाल स्वामी। स्वामी जी, कितना पुराना मंदिर है और किस देवता का मंदिर है? यह ठाकुर जी का मंदिर है और लगभग ये 17-20 साल के करीब तो गांव को बसे हो गया, और गांव से पहले का मंदिर है। तो जो आसपास के आपके गांव हैं वहाँ भी ठाकुर जी के ही मुख्य मंदिर है? मंदिर है, आसपास के गांवों में भी ठाकुर जी का मंदिर है। ये ठाकुर जी का मंदिर भी पुराना है, और ये जो सतीदादी का मंदिर बना हुआ है ना, ये भी इस गांव से पहले का। आपके यहाँ ठाकुर जी देवता आए कहाँ से, कहाँ से लाया गया इनको? ये पहले मतलब नागा स्वामिया का मंदिर था और उन्हीं का लाया हुआ है। राजस्थान में ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में, हाँ, उसी के रूप में पूजा की जाती है। अधिकतर गांव में उनके मंदिर है, जन्माष्टमी वगैरह मनाया जाता है पर्व सालाना।
भगवान शिव के भी मंदिर होंगे आसपास? हाँ, शिव का मंदिर है हमारे गांव में भी है। एक मंदिर और है बालाजी का। बालाजी का है, शिव का मंदिर भी है हमारे गांव में। हमारे गांव में तो वैसे मंदिर बहुत है, हर देवता का मंदिर है, लेकिन सबसे पुराना यही मंदिर। पुराना यही है। जो इतिहास से आपके गांव जब से शुरू हुआ है तब से ये मंदिर। तब से ये मंदिर है, पुराना मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर के साथ आगे ये जो सती जी का मंदिर है ना, ये मंदिर पहले ये हमने ये सुना इस पे है जो लिखा हुआ लेख है उसके आधार पर ये गांव, अभी इस गांव में जो राजपूत बसते हैं ना वो मोहनदास राठौड़ वंश के राजपूत हैं, और पहले थे सौणदास राजपूत, उनके परिवार में ये सती हुई हुई है। और लगभग सतियाँ ज़्यादातर अपने पतियों के साथ होती थी, ये अपने पुत्र के साथ सती हुई है। मतलब उनके पुत्र का निधन हुआ, हाँ, उसका वियोग वो सह नहीं कर पाए। हाँ, उनको पुत्र के साथ सती हुई है और ये महासती के रूप में मानी जाती है। आप लोग इनको भी पूजा करते हैं? हाँ, शक्ति। अभी ऐसा है कि इसको हम सती के उपमा न देके शक्ति का रूप देते हैं, क्योंकि कुछ खास दिन है जिस दिन आप लोग थोड़ा सा पूजा या मेले इसका वो जो है ना, हर माह की जो तेर साती है ना उसके दिन इसका पूजा का विशेष होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए एक नया संयोग है इस गांव में कि और गांव में तो सतियां या और रजवाड़ों में तो पति के जब युद्ध में शहीद हो गए या उनकी डेथ हो गई तो शहीद के चिता के साथ जो पत्नियां थी वो सती होती थी। इस गांव में बेटे के निधन के बाद उनकी मां उस आग में सती हुई। बाजरा आप बोएंगे बरसात में? बरसात में। एक तो वही रात की सब्जी है, एक मटर है। नहीं, ये खेप वाली है। खेप वाली है ना, ये खेप वाली। हाँ, ये टेस्ट करेंगे यार, इससे ठीक हो जाएगा? हाँ, बादी अटने हो ये गर्म हो रखे ना। पहले जब आप लोग बाजरा की रोटी खाते होंगे तो आप सोच रहे हैं कब ये बाजरा गेहूं मिले, कब गेहूं के रोटी को सोचे, जैसे हम लोग मंडवे के लिए सोचते थे बचपन में, अब तो मिल जाए टूट पड़ते हैं। राजस्थान का ये मेरा पहला जो टूर था और हम सीधे चूरू ज़िले के राजियासर मीठा गांव में पहुंचे। अच्छा लगा गांव, यहां का खान पान, यहां की संस्कृति, और सबसे बड़ी कि आज से करीब 30 साल पहले कैसे यहां के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे होंगे, जब कुएं में पानी था वहां से निकालते होंगे, और ख़ास तौर पर गर्मियों में कैसे जीते होंगे जब 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पहुँच जाता है। अभी गर्मी तो शुरू हो गई है, मार्च के दूसरे हफ्ते में हैं हम, होली के आसपास, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी और लू के थपेड़े इस पूरे इलाके में लोगों, यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के जानवर सबको परेशान करते रहेंगे। 2 महीने तो इस पूरी इलाके में भीषण गर्मी पड़ती है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, होली के मौके पर होली को सूट करने के लिए हम उत्तराखंड से राजस्थान आए थे, तो अगली कहानी होली की। जय नंदा, जय हिमाल।